गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। अभी टाइम हो रहा है 2:30 PM। अभी से मैं आज का व्लॉग शुरू करी। आज थोड़ा सा लेट हो गया, सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी भी थी और वेदर ना आज का एकदम अजीब सा है। सुबह से आज पहले धूप बहुत थी, देन उसके बाद ऐसा 12:30 से एकदम क्लाउडी हो गया। देखिए ऐसा लग रहा है कि शाम को 6:30 बज गया, इतना क्लाउडी हो गया। अभी राइट नाउ हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बट ठीक है, बारिश होता है तो अच्छा लगता है, कम से कम थोड़ा सा ठंडा ठंडा होता है, अदरवाइज तो बहुत गर्म हो जाता है यहाँ पे, सच पूछिए तो। तो अभी इस वीडियो को मैंने जस्ट शुरू किया है, आगे तो बहुत कुछ करती रहूँगी, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो देखते रहे इस वीडियो का, आशा करते हो आप लोग को अच्छा लगे। बेस्ट पार्ट है इस घर का ये वाला बैल्कनी, यहाँ पे खड़े होके मुझे वीडियो शूट करना इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ। और स्पेशली यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा एक लाइटिंग आता है ना, कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता, स्पेशली दिन के टाइम पे तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और थोड़ा बारिश हो जाती है तो इतना ठंडी ठंडी हवा भी होता है, थोड़ा ग्रीनरी और ज़्यादा ग्रीन लगता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। हाँ तो अभी अंदर चलते हैं। लंच के लिए तो कुछ बनाना नहीं पड़ता है क्योंकि रात को ही वो बना के जो जाती है वही हम लोग खा लेते हैं। आई थिंक ये मैंने बहुत बार बताया, जो भी हो। तो अभी फ़िलहाल हाँ मैं अंदर जाके रात को एक स्पेशल सा डिश बनाने वाली हूँ मैं, उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना है, तो चलिए वो देखते हैं कैसे बनाती हूँ। ये एक्चुअली चिकन चाप का जो पीस होता है ना वो है, बट मैं इससे आज चिकन चाप नहीं बना रही हूँ, यहाँ से मैं हाफ कर दूंगी। तो ऐसा लेग पीस और ये थाई का पीस रहेगा। इस पीस से मैं एक्चुअली एक तंदूरी टाइप बनाऊंगी, बट टिपिकल तंदूरी पहले भी मैंने एक दिखाया था वैसा वाला नहीं, इसका मैरिनेशन थोड़ा अलग होगा, थोड़ा हरियाली कबाब जो होता है ना ग्रीन चटनी के साथ, वैसा वाला मुझे बनाने का जो मन है। तो देखते हैं वो कैसे मैं बनाती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं एक पेस्ट बना लूंगी मैरिनेट करने के लिए। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली एंड धनिया पत्ता लिया, कोरिएंडर लीव्स थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। इसी में थोड़ा ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी सो दैट सब अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करना है। इसके बाद हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला 1/4 teaspoon, दैट्स इट। ज़्यादा मैं गरम मसाला नहीं ऐड करती, बस इतना ही। अभी इसमें मैं योगर्ट ऐड करूँगी 2 teaspoon। पानी मत डालना क्योंकि योगर्ट है ना, तो पानी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा पेस्ट करते टाइम। और मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करी, ये ऑप्शनल है। सेम मैरिनेशन के साथ आप पनीर बना सकते हैं या फिर बोनलेस चिकन के साथ भी कर सकते का लंच मेरे लिए राइस है और ये है दाल, मिक्स दाल बनाया था कल, और साथ में थोड़ा सा बैंगन का भरता है हितेश के लिए, थोड़ा सा ऐसा कैरेट एंड क्यूकम्बर है, थोड़ा सैलड, और यहाँ पे है थोड़ा सा मिक्स वेज, और यहाँ पे मैंने अलग से दाल लिया है, और साथ में मैंने थोड़ा पापड़ लिया है, और ये थोड़ा सा वो नगेट्स होता है ना वो भी थोड़ा फ्राई कर लिया है। ये हम लोगों का आज का सिंपल लंच। सो गाइस हम लोग का लंच हो गया है, और लंच के बाद जो भी क्लीनिंग वगैरह था, बर्तन वर्तन साफ करना, वो सब कुछ कर लिया है। अभी ऑलमोस्ट 5 PM हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा मेकअप और ज़्यादा करके आ गई क्योंकि मैं एक वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो वो वीडियो शूट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
एक प्रोडक्ट रिव्यू का, तो वो मैं कर लूँ, तो मैं पहले वीडियो शूट कर लूँ, देन मैं थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग को बता दूँ। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी 7:30 PM हो रहा है। वीडियो शूट किया, उसके बाद थोड़ा बहुत काम था वो सब कुछ किया, देन ये सब करते करते कुक के आने का टाइम हो गया। आज सुबह को मैंने, सुबह नहीं दोपहर को मैंने दिखाया था ना कि थोड़ा चिकन को हरियाली कबाब बनाने के लिए मैंने मैरिनेट किया, तो हम लोगों का अभी क्या बोलते हैं मेन्यू चेंज हो गया। हितेश ने बोला कि चिकन बिरयानी बनाओ, तो मैं इतना एक्साइटेड हो गई। मैं चिकन बिरयानी के लिए, बिरयानी कोई भी बिरयानी के लिए बहुत ऑलवेज एक्साइटेड होती हूँ, चाहे चिकन हो, मटन हो, वेज हो, कुछ भी हो, बस बिरयानी दे दो तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, राइस को भी भिगो दिया है, बस अभी कुक आए तो वो थोड़ा हेल्प करेगी बनाने में। और आज मैं एकदम अलग स्टाइल का बिरयानी बनाने वाली हूँ। यस, फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल में कोलकाता स्टाइल बिरयानी का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पहले सोचा नहीं करूँगी, फिर सोचा नहीं, कोलकाता स्टाइल बिरयानी बहुत लोगों को पसंद है और बहुत ज़्यादा ईजी टू कुक है। मतलब बाकी सब बिरयानी से मुझे लगता है ये बिरयानी सबसे ज़्यादा सिंपल तरीके से बनता है। तो बकबक ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा हम दोनों को भूख लगी, थोड़ा सा सैंडविच खा लेते। सैंडविच का स्टफिंग मैं बना के रखती हूँ ना, तो काफ़ी इजी होता है, फटाफट बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, ब्रेड को जस्ट टोस्टर में टोस्ट कर लेती हूँ, देन उसके अंदर ही जस्ट स्टफिंग को ऐड करके दे देती हूँ, खा लेते हैं हम लोग। तो वही ज़्यादा ईजी टू कुक है एंड जल्दी जल्दी टेस्टी भी होता है, जल्दी बन भी जाता है। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे टोस्टर में डाल दिया मैंने ब्रेड को टोस्ट होने के लिए। तो ये रहा हम लोगों का चिकन सैंडविच, चिकन मेयो सैंडविच, हम लोग का आज का इवनिंग स्नैक। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स जितना चिकन लिया है और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट 2 टीस्पून ऐड किया है, 4 टेबलस्पून यहाँ पे योगर्ट ऐड किया है, सॉल्ट टू टेस्ट, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, मैंने यहाँ पे सनराइज का गरम मसाला पाउडर एक ऐड किया है 1/2 टीस्पून, आपके पास जो भी गरम मसाला है वो ऐड करना। और साथ ही साथ यहाँ पे ये वाला चिकन बिरयानी मसाला MDH का, ये ऐड किया है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी ऐड किया है 2 टीस्पून जितना। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 घंटा जितना मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अभी यहाँ पे राइस को बनाना है, उसके लिए पानी उबालने रख दिया है। पानी में आप देख सकते हैं मैंने होल स्पाइसेस सब ऐड किया है, 2 ग्रीन कार्डमम, 2 ब्लैक कार्डमम, 7 to 8 ब्लैक पेपरकॉर्न, 4 क्लोव्स एंड थोड़ा सा मैंने जावित्री लिया, 2 तेज़पत्ता एंड 2 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पे मैंने बासमती राइस को 1/2 घंटा जितना पानी में भिगो के रखा था, और यहाँ पे देख सकते हैं पानी धीरे धीरे उबल रहा है, तो मैं ये राइस इसमें ऐड कर दूंगी। और राइस को 70-80% ही कुक करना है, बहुत ध्यान रखना, बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना है। कढ़ाई में मैंने व्हाइट ऑयल ऐड किया, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड किया, और अभी इसमें अनियन को फ्राई करना है बेरेस्ता बना के। यहाँ पे ऐसे अनियन को स्लाइस कर लिया है। बेरेस्ता बनाने के बाद थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लिया, और आलू में मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया था येलो कलर, और अभी उसी ऑयल में थोड़ा सा मैंने छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी एंड थोड़ा सा जावित्री डाला, एंड देन चिकन डाल के इसको फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए देन थोड़ा गर्म पानी इसमें ऐड करना है। Thank you.
चिकन बिरयानी बन गया है, बन गया मतलब अभी गैस पे चढ़ा है 15 मिनट के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सच पूछिए आज के इस बिरयानी के लिए, क्योंकि कोलकाता स्टाइल बिरयानी है ना, इसलिए सच पूछिए ग्रेवी ट्राई किया, टेस्ट किया हम दोनों ने, सुपर बना है उसका चिकन का ग्रेवी, सीरियसली एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आ रहा है। तो बस 10-15 मिनट के लिए दिया है और 10 मिनट बाकी हो जाए तो देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देन हम लोग खाना भी खा लेंगे। और सच पूछिए जिस दिन अच्छा खाना घर पे बनता है, अच्छा स्मेल आता है ना, उस दिन और ज़्यादा भूख लग जाती है मुझे ऐसा लगता है। सो गाइज हमारा बिरयानी बन गया है और ऑसम वाला दिख रहा है, टेस्ट भी हम लोगों ने कर लिया वो भी अच्छा है। कैसा लगा था तुमको? अच्छा था। इसमें एक्चुअली एग भी डालते हैं बट एग मैंने नहीं डाला। डिनर हो गया है और चिकन बिरयानी, ओ माय गॉड इतना ज्यादा ऑसम था ना। और ये जो कोलकाता स्टाइल बिरयानी है ना, इस चिकन बिरयानी जैसे बनाते बिल्कुल सेम स्टाइल में मटन बिरयानी भी बनाते, बस मटन को कढ़ाई में नहीं ऐसा प्रेशर कुकर में कुक करना पड़ता है, बट कोलकाता स्टाइल बिरयानी सिर्फ चिकन या मटन ही होता है, वेज या दूसरा कुछ फिश के साथ एग के साथ ऐसा नहीं होता है। तो मैं वही बता दिया। अभी टाइम हो गया इस वीडियो का यहीं पे एंड करने का। आई होप आप लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Like a car.